लिखते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन का। बॉडी इज मूविंग विथ स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड एंड हैज रिटार्डेशन 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फाइंड टाइम टेकन टू स्टॉप। फाइंड टाइम टेकन टू स्टॉप एंड डिस्टेंस इट ट्रेवल बिफोर इट स्टॉप। तो बेटा बॉडी स्टार्ट हो रही है या बॉडी मूव कर रही है 20 मीटर पर सेकंड से और रिटार्डेशन दे रखा है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो रिटार्डेशन नेगेटिव एक्सेलरेशन हो गया और ये कुछ देर बाद वेलोसिटी जीरो हो गई। तो इनिशियल वेलोसिटी है 20 और फाइनल वेलोसिटी है जीरो। तो पहली इक्वेशन ले रहे हैं वी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, तो वी जीरो है, यू 20 है, ए की वैल्यू माइनस टू है और टाइम टी, तो टी की वैल्यू आ जाएगी बेटा 20/2 यानी कि 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब हमें निकालना है कितनी देर में रुक जाएगी, तो वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2AS, तो वी जीरो है, यू 20 है, एक्सेशन की वैल्यू नेगेटिव है 2 और एस डिस्प्लेसमेंट है, तो 0 इज इक्वल टू 20 स्क्वायर माइनस 4S, तो 400 इज इक्वल टू 4S, एस इज इक्वल टू 400/4 मीन्स 100, तो 100 मीटर पे जाके रुक जाएगी। और एग्जांपल देखते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन के। बॉडी स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट एंड कवर्स डिस्टेंस S1, डिस्टेंस S1 इन फर्स्ट टेन सेकेंड एंड S2 इन नेक्स्ट 10 सेकेंड। फाइंड रिलेशन बिटवीन फाइंड रिलेशन बिटवीन S1 एंड S2 इफ़ बॉडी हैज कॉन्स्टेंट एक्सेलरेशन। बॉडी हैज कॉन्स्टेंट एक्सेलरेशन, तो एक बॉडी जो है रेस्ट से स्टार्ट हुई यानी जीरो है और S1 डिस्टेंस कवर कर रही है 10 सेकेंड में और S2 डिस्टेंस कवर कर रही है फर्दर 10 सेकेंड में और बॉडी की एक्सेलरेशन कांस्टेंट है पूरी जर्नी पर। तो सबसे पहले हम S1 की इक्वेशन लिखेंगे। S1 हो जाएगा UT 0 इंटू टी यानी 10 प्लस हाफ ए 10 का स्क्वायर, सॉल्व करके आ जाएगा बेटा 50 ए। अब अगर मैं S2 की इक्वेशन निकालूंगा तो मुझे यहाँ वेलोसिटी चाहिए, या तो मैं यहाँ वेलोसिटी लेके आऊँ या मैं इक्वेशन दोनों की मिला के लिखूँ। तो अगर मैं दोनों की मिला के इक्वेशन लिखता हूँ तो टोटल डिस्टेंस हो गया S1 प्लस S2 और स्टार्टिंग वेलोसिटी यहाँ से ले रहा हूँ तो 0 और टाइम टोटल 20 हो जाएगा। इन दोनों का टाइम मिला के 20, दोनों का मिला के डिस्टेंस S1 प्लस S2, तो हाफ ए 20 स्क्वायर। सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू तुम्हारी आ जाएगी 200 ए। डिवाइड कर दो, S1 upon S1 plus S2 इज इक्वल टू 50 A upon 200 A, तो S1 upon S1 plus S2 इज इक्वल टू 1/4, तो 4S1 इज इक्वल टू S1 plus S2, तो S2 इज इक्वल टू 3S1, तो S2 की वैल्यू 3S1 है। कुछ बच्चे कहेंगे कि हम यहाँ से सॉल्व करना चाहेंगे, तो पहले यहाँ वेलोसिटी निकालनी पड़ेगी। ये एक तरीका है ऐसे उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का। एक और तरीका भी निकाल सकते हैं, पहले मैं यहाँ वेलोसिटी निकाल लूँ। V इज इक्वल टू यू प्लस ए टी,
वी इज इक्वल टू 0 प्लस ए इंटू 10, तो वी इज इक्वल टू 10 ए, यहाँ वेलोसिटी 10 ए आ गई। अब एस टू की इक्वेशन मैं यहाँ से भी लिख सकता हूँ, 10 ए इंटू 10 प्लस हाफ ए 10 का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा आपका 100 ए, ये आ जाएगा 50 ए, तो सॉल्व करके आ जाएगा 150 ए। तो S1 अपॉन S2, S1 की जो वैल्यू है वो है 50 ए और S2 की जो वैल्यू है वो 150 ए, तो यहाँ से डायरेक्ट आ गया S1 अपॉन S2 इज इक्वल टू 1/3, S2 इज इक्वल टू 3 S1। तो चाहो तो आप डायरेक्ट दोनों की मिला के क्वेश्चन लिख लो तो ये खरा है, या फिर आप ऐसा कर सकते हैं पहले बीच में वेलोसिटी निकाल के फिर एस टू की अलग से क्वेश्चन लगा लिख लो, ये थोड़ा लेंदी है, ये थोड़ा इजी है, ये थोड़ा टेक्निकल है, ये थोड़ा सिंपल मेथड है। पहले यहाँ वेलोसिटी निकाल लो, फिर यहाँ पर नया एस टू निकाल लो, फिर सॉल्व कर लो।